पुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने जब मोदी जी का पैर छुआ तो मोदी जी के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान था। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपना वो दिया था एफिडेविट कि भैया राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज वो भी राम का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब जादू तो कुछ ना कुछ हो रहा भाई। ये पहली बार था हिस्ट्री में जो कि एक आदमी को हराने के लिए पूरा विपक्ष के नेता एक हो गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाते थे, उनसे तो कोई हाथ भी ना मिलाया करता भाई। फ्री फ्री है तो लोगों के टैक्स फ्री कर दो, पेट्रोल फ्री कर दो, सब चीज फ्री कर दो, ऐसी बात है भाई। ये चीज तो ना हमने कभी सोची भी ना थी कि ऐसा भी दिन आएगा भारत इस तरीके से बदलेगा और भारत का नाम पूरे विश्व में होगा, आज हो रहा ना। और ये लोग हिमाचल में एक पॉइंट से जीत गए, इसे ये लोग ताली बजा रहे, बजाओ आपको मुबारक हो, लेकिन मोदी जी को हराने की मत सोचो, आपका ये सोच सोची रह जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद से आरोप कई सारे लग रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला जादू करते हैं, दूसरे देश को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़े हैं, अपने देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमारे देश को जो ये विपक्ष के लोग हैं ये बोलते हैं, इनको बोलने दीजिए। भैया ने जैसे कहा कुत्ते भोगे भोके हजार और चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी उसमें के नेता है, वो नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, अपने काम से मतलब है। पप्पुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने जब मोदी जी का पैर छुआ तो मोदी जी के नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान था, पूरे हिंदुस्तान का सम्मान। और मोदी जी ने जितने भी गरीब देश हैं सब देशों को मोदी जी ने मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई, जो कोई भी देश नहीं कराया था। तो ये ऐसा नेता हमें दिखाता है कि जो विश्वगुरु बना सकता अपने देश को। और यही आज मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के जो नेता हैं वो कहते हैं मोदी बॉस, तो जो जो बाइडेन है वो भी कहते हैं मोदी जी जहाँ बैठे रहते हैं उनसे जाके गले लगते हैं। तो आप इस बात को समझिए, विपक्ष का काम है। 2019 में ये भी साथ आए थे, महागठबंधन सारे विपक्ष का, ऐसा कोई नेता नहीं बचा था जो मंच पे ना रहा हो, सारे नेता हो गए थे एक आदमी को हराने के लिए। ये पहली बार था हिस्ट्री में जो कि एक आदमी को हराने के लिए पूरा विपक्ष के नेता एक हो गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मोदी जी 2019 में प्रचंड बहुमत से सरकार में आए, वैसे 2024 में भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, मोदी जी के कौन से बच्चे हैं, कौन सा परिवार है जो ये लेके जाएंगे? मोदी जी कौन सा सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे? ऐसा कोई मोदी जी ने तो काम किया नहीं। मोदी जी अपने काबिलियत पे ऊपर उठे हैं, मोदी जी ने मेहनत की थी, मोदी जी शाखा से जुड़े थे आरएसएस के, और फिर उन्होंने मेहनत करते करते एक ऊंचाई पे पहुंचे। तो इसमें जो राहुल गांधी है सब लोग, भाई साहब अखिलेश यादव हो गए, इन सब की बातें छोड़ दीजिए, इन लोगों को विरासत मिली है, खानदानी राजनीति, ये लोग घर में भी बैठे रहेंगे ना जब भी इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो इसमें इनको बोलने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो ऐसा नेता चाहिए जो हिंदुस्तान का सम्मान करे, अपने तिरंगे का सम्मान करे, अपने नागरिकों का सम्मान करे, राहुल गांधी की तरह नहीं। ये लोग तो कभी भी कहते चुनाव आयोग, कहते सुप्रीम कोर्ट बिक गया, सेना पे सवाल उठा देते हैं, तो इन लोगों पे क्या भरोसा किया जाए जो खुद अपने आप को कहता कि हम नहीं है इस दुनिया में। तो इन लोगों को तो भाई साहब मैं महामूर्ख भी कहूँगा ना, तो भी मुझे कोई अपने ऊपर वो नहीं है कि ये लोग महामूर्ख है राहुल गांधी। 2024 को लेकर आप बात कर रहे हो कि 400 प्लस सीटें आएंगी, जो भी है चीज़ें आपकी तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि मोदी जो है कर्नाटक हारते हैं तो बीजेपी को फेवर नहीं एक तरीके से मिल रहा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता है तो कर्नाटक में हार क्यों रहे हैं चुनाव? मैं बता रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा चूहे होते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए आप दाने डालते हो, चूहे को नहीं पता होता कि जाके जाल में फंस जाएंगे। ऐसी कांग्रेस मुफ्त मुफ्त का दाना डाले, लेकिन वहाँ के पब्लिक थोड़ा भड़क बहक चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होगा, फंस गए जाल में। अगर निकल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस का काम है जाल दाने डालना, जैसे केजरीवाल दाने नहीं डालते, चूहे आके चूहे दाने में फंस जाते, फिर उनका क्या होता है, फिर वो जंगल में छोड़े जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा फ्री फ्री के चक्कर में मत रहिए, फ्री के चक्कर में रहोगे तो आप अपना जमीर बेच दोगे। ये नेता सिर्फ आप बताओ, अगर फ्री फ्री है तो लोगों के टैक्स फ्री कर दो, पेट्रोल फ्री कर दो, सब चीज़ फ्री कर दो, ऐसी बात है। और कांग्रेस का कर्नाटक जीतने का, चलो ये जीत के मुबारक हो, मैं तो ये भी कहूँगा कि अच्छा हुआ कि ईवीएम की इज्जत बच गई, ईवीएम को कोई गाली नहीं दे रहा है, नहीं तो भाई साहब ईवीएम को ये लोग इतना कोसते थे जैसे ईवीएम से सारा गुस्सा है, चुनाव आयोग को इतना कोसते थे, सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने किसी को छोड़ा है? इनसे बात छोड़ दी है, इंदिरा गांधी की बात रही तो इंदिरा गांधी वही इंदिरा गांधी थी जो आपातकाल लगाई थी, उन्होंने
बांग्लादेश बनाया चाहती थी, बांग्लादेश को हिंदुस्तान में विलय कर सकती थी, पीओके भी ले सकती थी, उस समय हमारे पास इतनी ताकत थी, पाकिस्तान के सारे 90,000 सैनिकों को हमने मुर्गा बना दिया था, इतनी ताकत थी हमारे सैनिकों के अंदर, लेकिन हमारे नेता हमारे बुर्बक थे जो वो जाके पाकिस्तान के हाथों बिक के चले गए, बांग्लादेश दे दिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है। और यही शिमला हुआ, तो हमारा देश अब देख रहा है कि हमारा देश चीन की औकात नहीं होती कि हमारी तरफ आँख उठा के देख ले, क्योंकि पता है कि हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने की राह में, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मोदी जी को हम बार बार चुनेंगे, जब तक मोदी जी हैं उनको चुनेंगे, उसके बाद हमारे लिए योगी जी बहुत हैं। लेकिन आपसे एक सवाल और रहेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप चुन रहे हैं, लेकिन कर्नाटक आप हारते हैं, हिमाचल प्रदेश हारते हैं, कमी कहाँ दिख रही है आप लोगों को? अगर जनता जो है नकार रही है बीजेपी को स्टेट में, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्रधानमंत्री को फिर कैसे चुनेंगे लोग 2024 में अगर स्टेट में ही है? देखिए, आपने देखा होगा जब 2019 का चुनाव था, उड़ीसा देखा, कलकत्ता देखा, आपने कई राज्य देखे, एक तरफा बीजेपी जीती थी लोकसभा सीटें। तो लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव होता है, और जो स्टेट लेवल का चुनाव होता है वो स्थानीय नेताओं के लेवल का चुनाव होता है। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव है, यह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से तुलना मत कीजिए। मानता हूँ हिमाचल जिले, हिमाचल प्रदेश की आप देखोगे वहाँ के वोट परसेंटेज तो मात्र 1% से भी कम था बीजेपी का मार्जिन हार का। तो इसको हार जीत कहते ही हो जाती है, इसको ये नहीं कहते कांग्रेस की तरह गुजरात में 25 साल के शासन को भी, मोदी जी का शासन को ये लोग हरा नहीं पाए, 5 बार से लगातार जीत रही बीजेपी और प्रचंड बहुमत से, तो इसे जीत बोलते हैं। और ये लोग हिमाचल में 1 पॉइंट से जीत गए, तो इसे ये लोग ताली बजा रहे, बजाओ आपको मुबारक हो, लेकिन मोदी जी को हराने की मत सोचो, आपका ये सोच सोची रह जाएगा। आपके पास वापस आते हैं, बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है, बोल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काला जादू कर रहे हैं लोगों पे, बस जो है देश का विकास नहीं कर रहे हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं देश। भाई आज कांग्रेस कह रही है कि काला जादू कर रहे हैं, सही कह रही है भाई। काला जादू तो मोदी जी बिल्कुल कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपना वो दिया था एफिडेविट कि भैया राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज वो भी राम का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब जादू तो कुछ ना कुछ हो रहा भाई। हाँ, जादू तो कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो जादू कांग्रेस पार्टी को नहीं पूरे देश को दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी बाहर गए हैं। हाँ, पपुआ को है एक देश जो, हाँ पपुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री भैया पैर छू रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाते थे, उनसे तो कोई हाथ भी ना मिलाया करता भाई, यहाँ आज 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 पैर छू रहे हैं, कितनी बड़ी बात है भाई। जो जिस देश के प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आज उस देश के प्रधानमंत्रियों की भाई विलायत में पैर छुए जा रहे हैं, ये कम बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज जो बाइडन भी ये कहता मोदी जी राम राम हाथ जोड़ के, तो भाई ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। ये चीज़ तो ना हमने कभी सोची भी ना थी कि ऐसा भी दिन आएगा, भारत इस तरीके से बदलेगा और भारत का नाम पूरे विश्व में होगा। आज हो रहा ना, हो रहा ना, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने एक बात बोल दिया कि भैया भारत आओ, भारत में व्यापार लेके आओ, जिससे आपका भी फायदा होगा, हमारे देशवासियों को भी बहुत कुछ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, व्यापार आएगी, कंपनी आएगी, कितनी अच्छी बात है।